प्रयास करेंगे कि आप लोग समझे। मायरा मासीरा तुमना कुछ बारी ना यारा तो झारखंड बिहार बंगाल यारा जाए यारा भ्रमण करे तो यारा भाषा जानी तुमरा जानी ना। तो आज हम सभी पश्चिम बंगाल जिला के पश्चिम बंगाल राज्य दूसरी बार हम आए हैं लालगढ़ ब्लॉक में शहीद रघुनाथ महतो की स्मृति जनसभा में आए हैं। तो आज हमसे पहले जो वक्ता थे जरा वक्ता छिलम सबाई कुमार के जनाली कि आज हम लोग एक पुनः जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। आज बीते 70 सालों में जब से भारत देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है, जब से अंग्रेज अपनी सत्ता को भारत के लोगों को छोड़कर गए हैं, बीते 70-75 सालों में यदि इस देश में पूरे भारत वर्ष में भारत खंड में अगर किसी का दोहन हुआ है, किसी को सबसे ज्यादा अगर दुख में रखा गया है तो हमारे लोगों को। तो आज इसीलिए हमने कहा, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम लोग एक पुनः जागरण की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आप को फिर से रिवाइवल कर रहे हैं, अपने आप को फिर से स्थापित कर रहे हैं। तो आज चूंकि सभी यहां जैसा कि देख पा रहे हैं मैक्सिमम जो नौजवान है वो 30 से नीचे के हैं, हम लोग भी उसी उम्र के हैं। तो आज अगर रघुनाथ महतो की बात कही जाए जो झारखंड सॉरी भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन क्या इतिहास के पन्नों में उनका नाम ऐसा कहीं लिखा गया है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी? नहीं लिखा गया। कारण क्या था? नहीं, इतिहास लिखने वाले जो थे वो हमारे बीच के नहीं थे, ये हमारे लोग नहीं थे। इसीलिए जितने भी नौजवान यहाँ आए हैं पढ़ने वाले, सबसे पहला काम कीजिए पढ़िए लिखिए। यदि हम लोग पढ़े लिखे ठीक से होते हैं तो आज सबसे पहला नाम भारत भूमि के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बलिदान देने में किसी का नाम लिखा जाता तो रघुनाथ महतो का लिखा जाता। जितने भी दस्तावेज हैं अंग्रेजों के दस्तावेज रहे या फिर आजाद भारत में भारत सरकार के पास दस्तावेज जो भी कागजी कलम है वहां रघुनाथ महतो की शहादत की तारीख लिखा गया है 1778। लिखा गया है कि 1778 को यही सिली के गांव में उनका शहादत हुआ था। सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। तुमने गूगल करते परी क्या 1778 से पहले कोई नाम है जो भारत के लिए शहीद हुए? 1778 से पहले कोई एक भी नाम है? शायद नहीं है। तो भाई जब आपके कागजों में लिखा है, आपके दस्तावेजों में लिखा है, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स को अगर पहचान और सम्मान नहीं मिला तो कारण यही कि उस शख्स के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। इतिहास हमेशा उनका लिखा गया है, माने राजा के दरबार में जो कवि रहते थे राजा को प्रसन्न करने के लिए जैसा गीत गाते थे वैसा इतिहास लिखा गया है। इसलिए जितने भी नौजवान हैं सबसे पहला काम पुनः जागरण तभी होगा, हम लोग अपने आप को फिर से स्थापित तभी कर पाएंगे जब हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। आज उतना छोड़िए, अभी रीगल मैदान से हम आ रहे हैं, रीगल मैदान जमशेदपुर में है, वहाँ लगभग 10-15 हजार की संख्या में लोग आज जुटे थे। लगभग पूरा एक दर्जन पूर्व सांसद पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री थे, लेकिन उस मंच में हमारा भी स्थान था। क्यों? हम एक मुखिया तक नहीं है, रीजन एजुकेशन। आज आपके बीच हम झारखंड के धनबाद जिले से चलकर झारग्राम में आए हैं तो भाई उसका कारण है एजुकेशन। मैं दिखने की बात कहें
तो आप हमसे अच्छा स्मार्ट दिखते हैं, क्योंकि हमसे हम लोग बढ़िया दिखते हैं। अरे कम से कम बढ़िया पाने देखिए, हम ट्रोजर पाने 120 रुपया का, आप पूरा झारखंड घूमेंगे इस ट्रोजर में। जिस मंच में विधायक संसद बैठे हैं, हम एक साधारण सा लड़का 150 का ट्रोजर में वहां भाषण देके आए हैं। रीगल जमशेदपुर का रीगल मैदान, और आप वीडियो जाके देख लीजिए, अभी भी वीडियो अगर आपको दिखेगा झारखंड के किसी चैनल में, तो सबसे ज्यादा गंभीरता पूर्वक लोगों ने अगर बात को सुना तो हमारी बातों को सुना, क्योंकि जो कि सब इसलिए जितने भी जो तो हमारे भाईरा बहनरा जो हमारे स्कूल कॉलेज जाए सबा के हमारे संदेश पढ़ा लिखा दरकार अच्छे, आज यदि हम लोग पीछे हैं तो उसका कारण हम लोग, बुरा नहीं मानिएगा। जैसे अभी झारग्राम हम लोग का एंट्री हुआ, बहुत अच्छा, हम लोग का आधा दूर लेने गए, लेकिन देखे दो चार जो भैया लोग थे थोड़ा सा ड्रिंक किया गया था, मदपान करे छे, मद खाए छे, हमें भूल तो ना करी, हमारे चोखे गिला भूल तो ना करी, मद खाए छे ना, खाए छे ना। आप बताइए ऐसे में हम अपनी लड़ाई किससे लड़ेंगे? आज जो हमारी लड़ाई है वो सालों पुरानी है, एक पुराना रोग है, इसके लिए प्रत्येक हमारे बीच के हर एक व्यक्ति को, माताएं माने नौजवान सबको समझना होगा, और इस लड़ाई में भाग लेना होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जो दोष है, हमारे ठीक जो दोष गिरा है उगला के बाछे, तो इसलिए हमारे बीच जो दोष और गुण है, जो गुण है उनको स्थापित करना है, जो दोष है उनको निष्कासित करना है। आज रघुनाथ महतो स्मृति जनसभा में लालगढ़ प्रखंड के अंतर्गत जितने भी लोग यहां जुटे हैं, हम यही आप लोग से कहना चाहेंगे कि आज बहुत दिनों बाद हम लोग अपनी पहचान के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और साथ ही साथ अपने आप को बचाने के लिए, आज ये जो लड़ाई है, आज जो झारखंड उड़ीसा बंगाल ये तीनों जिला में मिला के जो लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई है अपने आप को बचाने के लिए। आज हम लोग अपने आप को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। यदि आज हम लोग लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, सबसे पहला बात 1871 में क्या था, 91 में क्या था, 1919 में क्या था, वो मसला हटाइए। हम लोग को यदि सूची से बाहर किया गया था तो उसका कारण क्या था? आखिर हम ही लोग क्यों मिले? कोई तो कारण होगा कि भाई हम ही लोग क्यों मिले वहां से बाहर करने के, बिना कारण का तो नहीं हुए। तो आप एक बार नजर दौड़ा के देखिएगा, छोटा नागपुर जिसे कहा जाता है खनिज भंडार, छोटा नागपुर किस लिए जाना जाता है? खनिज भंडार, यानी जर्मनी के बाद पूरे दुनिया में, जर्मनी के बाद अगर सबसे ज्यादा खनिज का भंडार नहीं है तो भारत में है, और भारत में कहां? छोटा नागपुर के पठार में। तो खनिज कहां है? इस मिट्टी में है। ये मिट्टी किसकी है? हम लोगों की। धनबाद जिला रहे, बोकारो जिला रहे, पुरुलिया रहे, जमशेदपुर रहे, रामगढ़ रहे, या जितना भी छोटा नागपुर का जो खनिज का हिस्सा जहां पाया जाता है, वो क्षेत्र हमारा था, वो जमीनें हमारी थी, वो भूभाग हमारा था। इसीलिए दिल्ली में बैठे लोगों ने कहा कि भाई सब खनिज तो इन लोगों की जमीनों में है, और ये लोग सूची में शामिल हैं, और यदि सूची में शामिल हैं तो इनको विशेष दर्जा है, इन्हें विशेष संरक्षण है, इनकी जमीनों में विशेष कानून है, सीएनटी कानून है, आप आसानी से ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत साजिश रचाया, और किसी प्रकार सूची से बाहर किया गया, ताकि उनको हमारी जो खनिज संपदा से परिपूर्ण जमीनें थी उसे अधिग्रहण करना था। और आज आप देख सकते हैं, आज आप किसी भी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत, चाहे झारखंड का अंश हो, बंगाल का अंश हो, या उड़ीसा का अंश हो, जितने भी खनिज संपदा पाए जाते हैं और उन जमीनों का जो अधिग्रहण किया गया है, देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात,
राजस्थान के लोग आकर अरबपति हो गए और आज भी हमारे लोग गांवों में खेती खरिहानी तक सीमित रह गए हैं। इसीलिए उनका लक्ष्य हमारी जमीनों का अधिग्रहण करना था। इसलिए आज जो को नौजवान पीढ़ी ऐसे क्षेत्र में आके जानते हो गए की रीजन चिलो रीजन की एक मेन रीजन छोटा नागपुर माने खोनीजर भंडार और खोनीजर भंडार हमारे माटी हमारे भूमि से जो हमारे सूची टाले उन लोगों ने बाहर घूमने का काम यानी आज जिस लड़ाई की ओर हमारे लोग जा रहे हैं वो अपने आप को बचाने की लड़ाई है। अब आप कहेंगे कि बचाने की लड़ाई हम कैसे मारे जा रहे हैं, तो सीधा सा बात है हमें आपके बीच आपको समझाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। यदि हम गुड़माली भाषा में आपको समझा पाते तब आप बोल पाते कि नहीं हम लोग जिंदा है यानी मारा तो गया है। इंटेलेक्चुअली आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालकर समझना होगा कि मारा कैसे गया, हमें डैमेज कैसे किया गया। अंग्रेज जब भारत देश में आए थे उन्होंने एक ही लाइन कहा था कि किसी भी इंसान को या फिर मारना है तो लाठी डंडा तलवार बंदूक तोप से नहीं मारना है, भाषा संस्कृति साहित्य से मार दीजिए वो जिंदा होके भी अपंग हो जाएगा। वही हमारे साथ किया गया। भाषा को देख सकते हैं, मानभूम भाषा आंदोलन आपको याद होगा, एक तरफ हिंदी का जोर दूसरे तरफ बंगला का जोर, लेकिन बीच में दरार सिविलाइजेशन में कुर्माली नामक भाषा थी उस पर किसी ने चर्चा कर नहीं किया। मानभूम मूवमेंट आपको याद होगा 1950 के आसपास लड़ा गया था, यानी बड़ी चालाकी के साथ बड़ी साजिश के साथ हमें खत्म करने का प्रयास किया गया। एक उदाहरण देकर हम समझाने का चेष्टा करेंगे। तुम्हारा आप लोग इधर कौवा को क्या बोलते हैं जो कहलाते से रहता है, कौवा बोली ना तुमने देखा जी कंवर घेचाए बाधा सीतवाल की छुट कौवा काम काम करता है, कभी वो बरगद की डाली में बैठता है, कभी नीम की डाली में बैठता है, कभी पीपल की डाली में बैठता है, कभी कभी दूसरी सीमाओं के पार चला जाता है यानी वो आजाद रहता है। लेकिन आपने तोता को देखा होगा पैरोट क्या बोलते हैं, तिया 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 बोलते हैं ना, आपने उसको भी देखा होगा, लेकिन लोग उसको पिंजरे में भर के रखते हैं क्यों, वो जो आवाज करता है ना वो भाषा का नकल करता है। इसका मतलब आजाद रहना है तो आपकी भाषा ही आपको आजाद रखेगी। हाँ इतने लोग सुनने के लिए जमा हुए हैं लेकिन हमें विश्वास हो रहा है कि हम आपसे डायरेक्ट मतलब जिस प्रभाव के साथ हम अपने धनबाद बोकारो में लोगों से बात करते हैं आपसे नहीं कर पा रहे। रीजन भाषा। तो क्या आज से 50 साल पहले यदि हमारे बीच अगर बात होती तो आसानी समझ लेते, यानी इन 50 सालों में इन 70 सालों में इसी प्रकार हमें डैमेज करने का प्रयास किया गया। यानी आज हम अपने आप को स्थापित करने के लिए फिर से ये छोटा नागपुर तो हमारा सृजन किया हुआ है, यहां धान कि फसल आगाज होने का प्रमाण हम देते हैं, यानी आज हम लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए फिर से संघर्ष कर रहे हैं। और या यदि हमसे जरा सी भी भूल होती है, यदि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इस आंदोलन के महत्व को समझ नहीं पाती है तो आने वाले 20-25 साल हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ होंगे। हर स्तर से जितना स्तर हो सके हमें डैमेज करने का हमें खत्म करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं, हमने इतिहास के पन्नों में कहीं पाषाण काल कहीं नव पाषाण काल कहीं अंग्रेजों का काल कहीं मुगलों का काल पढ़ा है, लेकिन क्या उसी किताब में राण सिविलाइजेशन राण काल का कहीं जिक्र है? नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी नहीं है।
तो आज अभी जो दादा बोले हमारा राण क्षेत्र, राण भूमि, राण माटी, क्या ये केवल कहने की बातें हैं? यानी राण क्षेत्र, राण भूमि, राण माटी कोई ना कोई सच्चाई है इसमें, लेकिन इतिहास के पढ़ने में आपका स्थान है। यानी सबसे पहले आपको आपके इतिहास से वंचित किया गया, ना आपकी आने वाली पीढ़ी आपके इतिहास को पढ़ेगी, ना उस इतिहास पर हो रहा है। जबकि इतिहासकारों ने फर्जी फर्जी कहानियों को इतिहास में लिख दिया कि एक राजा था जो तोप लेके भारत में आक्रमण किया था, और फिर वही लिखता उसका नाती तलवार लेके लड़ रहा था। वही इतिहासकार लिख रहा ये बादशाह भारत में आक्रमण किया था तोप लेके, बम लेके, और उसका नाती 30 साल बाद तलवार लेके युद्ध कर रहा है। ये संभव है? पहले तलवार की तो पहले तलवार आया हम पहले झूठा झूठा कहानी इतिहास में भर दिया, और वही कहानी हमारे दिमाग में सेट हुआ कि जैसा पढ़ेंगे, जैसा देखेंगे, वही ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें डैमेज करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए हमारे इतिहास से छेड़छाड़ किया गया। राड सिविलाइजेशन, राड सभ्यता, राड भूमि, राड माटी, राड देश, राड प्रदेश, जैसा कुछ भी शब्द इतिहास के किसी पढ़ने में नहीं है। लेकिन हकीकत में ये था, आज भी है, भले अतिक्रमण हुआ है, बाहर के लोगों का बस बसा हुआ है, लेकिन आज भी ये है, जिसे हम लोग पूरा पूरी छोटा नागपुर कहते हैं। भूगोल की बात कीजिए, जब झारखंड, बृहद झारखंड, ग्रेटर झारखंड अलग मांग की गई थी, तो आपकी जानकारी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा शहादत झारखंड का जो जिला बना उसमें कम, और पुरुलिया का जिला में बहुत ज्यादा था। लेकिन आज पुरुलिया कहां है? बंगाल में। यानी अब आपका भौगोलिक डैमेज किया गया, इतिहास का डैमेज किया गया, अब भूगोल का डैमेज किया गया। भूगोल का डैमेज का मतलब, यदि ये तीन चार जिला जो बृहद झारखंड का मांग था, उड़ीसा का तीन चार को जिला जो बृहद झारखंड का मांग था, ग्रेटर झारखंड का यदि मिल जाता, तो आठ को जिला यानी उतने लोग भी तो एक जगह जमा होते, यानी मजबूती मिलती, ताकत मिलती। ये समझने का विषय है, इसलिए तीन जगह में बांट के रख दिया गया। ना ये लोग कागजी दृष्टिकोण से संवैधानिक तौर पे एक जगह जमा हो पाएंगे, ना अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर पाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल हर तरह से डिस्टर्ब किया गया, इसलिए आज बहुत ही गंभीर समय में है हम लोग। यदि आज हम लोग अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो उसके लिए आंदोलन और इस लड़ाई को, ये जो संघर्ष चल रहा है, इसे गति प्रदान करते हुए अपनी लड़ाई को जारी रखना है। क्योंकि हमारा अभिमान क्या था, आज रघुनाथ महतो की ही बात कही जाए, इन्होंने लड़ाई क्यों किया था? जमीन बचाने के लिए, कि हमार अपनी जमीन बचाने के लिए था ना। तो हमारी जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई है वो जमीन को बचाने के लिए, और हमें सूची से बाहर भी इसीलिए किया गया है कि जमीन को लिया कैसे था। उस समय राजाओं का राज था, तलवार के दम पे अंग्रेजों का शासन था, तो जबरन जमीन छीनने का काम किया जाता था। लेकिन भारत जब से संवैधानिक देश बना, अब जबरन तो नहीं ना छीन सकता है, तब उन्होंने संविधान का सहारा लिया और आपको संविधान के अधिकारों से ही वंचित कर दिया। इसलिए आज हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। आज कहीं भी आप चले जाए, ऐसा नहीं कि झारग्राम में, आप झारखंड भी चले जाए, जिन जिन जिलों में आप जा सकते हैं चले जाए, आपको यदि सबसे ज्यादा जमीनों का अधिग्रहण अगर किसी की नजर है, तो हमारे लोगों की जमीन पर। धनबाद, बोकारो में जितना भी कोयला का खदान है, मैक्सिमम जमीन है हमारी। इसलिए आज
बहुत ही गंभीर समय और गंभीर परिवेश में हमारा हम लोग इकट्ठा रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति को वैचारिक दृष्टिकोण से इन बातों को, इन तथ्यों को समझना होगा। साथ ही साथ ग्रैंड सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं बाकी लोगों से भिन्न थी, और यही भिन्नता यदि हम लोग बचा के रख पाते तो शायद हमारी स्थिति बेहतर होती। लेकिन आज जो हमारी मूल पहचान थी तो वो कहीं ना कहीं समय के साथ नष्ट हुई है। इसलिए आज हमारा प्रयास यह भी होना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता संस्कृति, अपनी भाषा को पुनः स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि दुनिया में ऐसे ना जाने कितने समूह आए और चले गए जो इस आज लगभग विलुप्त हो चुके हैं। आप लोग बाहुबली का फिल्म देखे होंगे, हम अपने उदाहरण में अक्सर कहते हैं, आप देखे नहीं दादा, उसमें देखिएगा पिंडारी शब्द का जिक्र है, तो क्या पिंडारी कल्पना है, क्योंकि फिल्म तो कल्पना से बनती है, क्या पिंडारी कल्पना है या फिर उसका वास्तव में कोई संबंध है? आज से 200 साल पहले 1800 के पीरियड में पिंडारी नामक समूह भारत देश में एग्जिस्ट करता था, आज एक भी लोग नहीं है। क्यों नहीं है? भाषा संस्कृति साहित्य खत्म, आज पूरा का पूरा समूह खत्म हो चुका है। इसलिए आपको अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति पे गर्व करना होगा, उन्हें स्थापित, पुनः स्थापित करना होगा, तभी आप अपनी आइडेंटिटी को बचा के रख सकते हैं। और हमारी जो भी संस्कृति है, आप कभी भी उनका तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए, बाकी जो संस्कृतियां हैं उनसे बहुत श्रेष्ठ, उनका कोई ना कोई अर्थ है, उनका कोई ना कोई मीनिंग है। हम लोग बिना अर्थ, बिना मीनिंग के शायद ही कोई ऐसा काम है जो हम लोग करते आए हैं।